After 3 years, we get to see first look at Hitman's Wife's Bodyguard, a new sequel to 2017 terrific sensation, Hitman's Bodyguard. पहले बात कर लेते हैं हिटमैन्स बॉडीगार्ड की, यानी इस मूवी का फर्स्ट पार्ट जो 2017 में आया था। इस मूवी का जॉनर भी एक्शन कॉमेडी ही है एंड लिटरली आपको कमाल का एक्शन देखने को मिल जाएगा इस मूवी में। एंड कॉमेडी की बात करें तो यारो, जिस मूवी में रायन रेनॉल्ड्स और सैमुअल एल जैक्सन साथ देखने को मिल जाएंगे वो मूवी कमाल बन ही जाती है। इन शॉर्ट, कॉमेडी सीन्स मूवी के काफी अच्छे हैं। IMDb पर मूवी की रेटिंग 69 है। सॉरी 6.9 है। मूवी का प्लॉट मुझे काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगा। वर्ल्ड के टॉप बॉडीगार्ड को 24 आवर्स के लिए अपने जिगरी दुश्मन को ही गार्ड करने की ड्यूटी असाइन की जाती है। मतलब जो दो लोग आज तक एक दूसरे पर गन पॉइंट तान कर रखते थे, आज वो एक ही टीम में है। एंड ये 24 घंटे धमाकेदार एक्शन और पॉइंटलेस येट फनी कॉमिक सीन से भरी हुई होती है। एंड अब 2020 में इसका सीक्वल आ रहा है, हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड। बहुत लंबा नाम है, बट आई होप दिस इज गोना बी अमेजिंग। इस मूवी की स्टोरी लाइन पिछली मूवी से थोड़ी रिलेट करती है। ट्रेलर के स्टार्ट में रायन वॉज ड्रीमिंग अबाउट विनिंग द बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड दिस इज समथिंग जो उसे रोज सपने में दिखता है व्हेन ही इज इन हिज थेरेपी सेशंस। एंड फिर रायन का थेरेपिस्ट उसे कहता है कि नो मोर किलिंग, क्योंकि रायन एक ट्रिपल ए वर्ल्ड क्लास टॉप बॉडीगार्ड रह चुका है। सो नाउ ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम PTSD। एंड अब उसे इस डिसऑर्डर से क्योर होना है, तो ही मस्ट टेक अ ब्रेक एंड नो मोर किलिंग। और अब रायन रेनॉल्ड्स एक ब्रेक लेने के लिए छुट्टियां मनाने जुहू बीच पे जाता है। ओके, ये जुहू बीच तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जुहू बीच इतना साफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो ट्रेलर के इस सीन में अब रायन बीच पर बैठकर म्यूजिक सुनते हुए एक बुक पढ़ रहा है जिसका नाम है द सीक्रेट। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये द सीक्रेट है क्या, देन अगर आपने कभी कोई इफ यू बिलीव यू कैन अचीव इट टाइप की कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी है तो ये वही बुक है। अच्छा, वैसे बुक का कुछ लेना देना नहीं है इस मूवी से। आई डोंट नो व्हाई मैं इस बुक को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अब आगे ट्रेलर में गोलियों की रासलीला चलती है, यानी इसी बीच पर कुछ गन शॉट्स चलते हैं। एंड अचानक से सलमा हायक कहीं से टपक पड़ती है और इतने इंटेंस मोमेंट में भी रायन को खोपचे में ले जाती है और रायन से कहती है, माफिया टुक माय हस्बैंड, वी नीड टू गेट हिम बैक। अब ये दोनों मिलकर अपने हस्बैंड को, सलमा के हस्बैंड को बचाने निकले हैं। एंड पूरे ट्रेलर में रायन इज लाइक, नो आई वॉन्ट बी किलिंग एनीबॉडी। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि रायन ने यार पूरे ट्रेलर में एक बार भी गन यूज नहीं की। इवन एक सीन में उसके सामने बंदा आके उसे गन से शूट करने वाला होता है, एंड स्टिल रायन उस टाइम पे भी गन यूज ना करके बल्कि पेपर स्प्रे का यूज करता है। एंड दिस वॉज हिलेरियस। बट लिटरली आई डोंट नो मूवी में रायन इस नो मोर किलिंग वाले माइंडसेट को लास्ट तक बनाकर रख पाएगा या नहीं, एंड उसे वो ट्रिपल ए वाला बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा या नहीं, वो जानने के लिए वी नीड टू वॉच द मूवी। बाकी मेरे हिसाब से ट्रेलर सीम्स टू बी सो गुड, एंड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस पार्ट ट्रेलर से यही लगता है कि इस मूवी के एक्शन सिक्वेंसेस और वायलेंट होंगे, कॉमिक पंचेस बेटर, एंड द होल फन ऑफ दिस एक्शन कॉमेडी इज गोना बी डबल डाउन। एंड जाते जाते यही कहूंगा, बिफोर वॉचिंग दिस अपकमिंग मूवी यू शुड वॉच द हिटमैन्स बॉडीगार्ड फर्स्ट। एंड हाँ, कुछ लोग को ये भी लग सकता है कि दिस मूवी कंटेन सम अननेसेसरी वायलेंट सीन्स एंड हैज एन अनइवन टोन, बट स्टिल आई अश्योर यू दैट यू वुड लव वाचिंग दिस मूवी बिकॉज द कॉमिक बैंटर बिटवीन द जैक्सन एंड रेनॉल्ड्स इज अनडिनायबल। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, मुफ्त का होता है यार, दबा दो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.